के नेता कमलनाथ जी हर बार स्पष्ट किया है कि हमारी सोच, हमारा विचार और हमारे काम करने की शैली में सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों को लेकर है। आज भारतीय जनता पार्टी और पूरे सीएलपी लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरीके से किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश की, मध्य प्रदेश की आम जनता का हक अधिकार जो केंद्र सरकार वो चाहे मुआवजे की राशि को लेकर अतिवर्षा की हो, चाहे बीमे की राशि को लेकर हो, चाहे अन्य किसानों की जो धान की खरीदी हुई और गेहूं की खरीदी हुई उस पर राज्य शासन को पत्र लिखकर जो खरीदी हुई धान को न उठाने की एक तरह से धमकी हो, ऐसे पत्र के माध्यम से राज्य शासन के साथ, मध्य प्रदेश की जनता के साथ केंद्र सरकार दुर्व्यवहार कर रहा है, उसको लेकर सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह किया, उनके सांसदों से आग्रह किया कि आप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल 13 साल रहे, आपके 28 सांसद चुन के गए, मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा केंद्र सरकार से आप नहीं करवाओगे तो आपने वोट किया उसका क्या मतलब। तो आज मैं मानता हूँ कि सदन में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि केंद्र से जो राशि, हमारा हक, मध्य प्रदेश का हक, किसानों के हितों का हक उन्हें मिलना चाहिए वो केंद्र नहीं दे रहा है। और शिवराज सिंह जी ने जिस तरीके से 15 साल सिर्फ भाषण दिए, झूठी घोषणाएं की और उसकी सजा जनता ने उनको दी, मैं मानता हूँ इस बात को कि समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्प के साथ पूरी सरकार चल रही है। हमने जो जो वादे किसानों से किए, वो चाहे 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करना हो, चाहे बोनस 160 रुपए देने की बात हो, चाहे बीमे की राशि की बात हो, चाहे मुआवजा जो अतिवर्षा से नुकसानी किसानों की हुई हो, एक एक पाइप पाइप किसानों को विकास के काम कम होंगे तो होंगे पर किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। मैं शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने 6-6 किसानों को गोलियों से भून दिया, उसके बाद जिस तरीके से आपने बात की ये सर्वविदित है। आपने 5,000 किसानों पर मुकदमे लगाए, ये किसी से छुपे हुए नहीं है। और घड़िया के आंसू अगर आप बहाओगे तो मध्य प्रदेश का किसान आपको अभी सजा दिए इसका और आगे बढ़ चढ़ कर इसका विरोध करेगा। एक बीजेपी का विधायक खड़ा हुआ, उसने कहा, पिछले उसके वीडियो वायरल हुए मीडिया में है कि किसान अति लालची होता है और सब्सिडी के लालच में आत्महत्या करता है। एक एक वक्तव्य जो किसानों को के सीधे अंदर तक दर्द देने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का था, वो किसी तक छुपा हुआ नहीं है। मैंने जैसा कहा, हमारे वचन पत्र के माध्यम से किसानों की एक एक बात, एक एक हमारा वचन हम पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी समृद्धि की ओर लगे हैं। धन्यवाद। मैंने कहा 160 रुपया बोनस की जो बात हुई है, हमने जिस तरीके से निर्णय लिया एक एक निर्णय का पालन करेंगे। दूसरा, जो केंद्र से हमारा पैसा रुक गया है, जो देना नहीं चाहती, दुर्भावना रखती है, दुर्व्यवहार करती है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री केवल राजनीतिक रोटियां सेकना और मैं कैसे किसानों के बीच में जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकूं ये नहीं चल सकता। आप में दम हो तो नरेंद्र मोदी जी के सामने जाओ, आवाज उठाओ, एक पत्र लिखो, वहां धरना दो। वो कुछ नहीं है, केवल किसानों के बीच में जाकर गलत सलत झूठ जैसा पहले सत्ता में रहकर बोलते थे, अब सत्ता से बाहर होके बोल रहे हैं, ये करना है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार की मंशा एक एक वचन का पालन करने की है। हम किसान के साथ पूरी ताकत से खड़े थे, हैं और रहेंगे।
सर अतिथि विद्वान अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तबीयत बिगड़ गई उनकी, अतिथि विद्वान उसको लेके मैं पीसी ले रहा हूँ। सर 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 एक और सर संपत्ति वाला ये कहना पड़ रहा है कि चलाने से मुँह चलाना सरकार चलाने में क्या है। हाँ बिल्कुल सही है। पूर्व शिवराज सिंह चौहान पिछले 15 साल 21,000 घोषणाएं की, करना क्या पड़ा, बजट में प्रोविजन नहीं करना पड़ा, केवल बोलना पड़ा, मुँह चलाना पड़ा, काम नहीं करना, सिर्फ बोलना, झूठ बोलना। फिर सत्ता से हट गए तब भी एक ही काम, अब घोषणाएं नहीं करनी पड़ती, अब केवल भ्रमित करना पड़ता। तो अब मुँह चला चला के भ्रमित कर रहे हैं। मैं मानता हूँ इस बात को कि आप अगर सदन में इतना बोलते हैं, मीडिया में इतना बोलते हैं, भाषण अच्छा देते हैं, तो ये मुँह आपका एक बार मोदी जी के सामने भी चला दो, हिम्मत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि 3 आदमी खड़े रहते हैं, पता चले कि वो और एक को बिठा दे सर पे, ये डर लगा रहे। तो मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी की भावना थी कि मुंह चलाने के बजाय केंद्र से मध्य प्रदेश का हक भी मांगो, ये करो आप, वो नहीं कर रहे हैं। सर सर एक आगे बात, बीजेपी के नेता आपस में कॉम्पिटिशन करते दिख रहे क्या? हाँ ये तो बिल्कुल सही है। सीएलपी लीडर विपक्ष के नेता है और सदन के नेता कमलनाथ जी। परंपराएं रहती है कि सीएलपी लीडर बोलता है तो बाकी सम्मानित सदस्य बैठते हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान सीएलपी लीडर जब खड़े होते हैं तो खुद खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही वो खड़े होते हैं कि नरोत्तम मिश्रा खड़े हो जाते हैं, आपस में कॉम्पिटिशन, एक दूसरे से मैं बड़ा हूँ ये बताने की भावना मध्य प्रदेश के अच्छे विपक्ष को घात पहुँचाई। जो एक सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए समृद्ध मध्य प्रदेश का, इनकी आपसी लड़ाई उस भाव को, उस धर्म को निभाने से इनको रोकती है। और अनल गनल पेपर में मैं कैसे छपूं, मीडिया में मैं कैसे आऊं, इसके लिए शिवराज भी लगे रहते हैं, इसके लिए नरोत्तम जी लगे रहते हैं। सीएलपी लीडर कहते हैं मेरा अधिकार है मुझे बोलने दो, बीजेपी के नेता शिवराज सिंह जी को कहते हैं कि भैया 15 साल आप बोले अब हमें अवसर दो, पर शिवराज सिंह जी मान नहीं रहे हैं। अब वो उनकी पार्टी की बात है, वो जाने और उनका काम जाने। और ये जरूर है सदन की मर्यादा बनाना शिवराज सिंह जी का धर्म है, उनको बनाना चाहिए।